नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आपके समक्ष लाए हैं। तो कर्मचारियों के लिए सरकार 301 करोड़ रुपए खर्च करेगी, क्या खबर रहने वाली है, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो सुखू सरकार पेंशनर्स के लिए खर्च करेगी 301 करोड़ रुपये, 75 वर्ष से अधिक सभी रिटायर्ड को मिलेगा एरियर। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए 75 या इससे अधिक आयु के पेंशनर्स को संशोधित पेंशन एरियर का भुगतान होने की आस पूरी होने जा रही है। सरकार को अगले 7.5 महीनों में 28,133 पेंशनर के साथ साथ पारिवारिक पेंशन को 301 करोड़ रुपये का एरियर चुकाना पड़ेगा। इस वित्त वर्ष में 7.5 महीने शेष रह गए हैं और इस दौरान पेंशनर्स को बकाया धनराशि मिलेगी। हर 10 साल बाद आने वाले वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को भी होता है। प्रदेश सरकार के वित्त नियमों के तहत किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को 15% पेंशन एरियर प्राप्त होता है। इस तरह का लाभ प्रदेश सेवा के कर्मचारियों को मिलता है। ऐसा माना जा रहा है कि एरियर की न्यूनतम धनराशि 20,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपये तक होगी। वहीं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश सेवा के कर्मचारियों व अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुल एरियर 9,200 करोड़ रुपये है। कर्मचारियों व पेंशनर के एरियर की धनराशि लगभग बराबर बनती है। प्रदेश में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की संख्या 1,71,000 है, जिनमें से केवल 28,133 पेंशनर और पारिवारिक पेंशन लेने वालों को ही एरियर का भुगतान हो सकेगा। तो ये रही बड़ी खबर की सुखू सरकार पेंशनर्स के लिए 301 करोड़ रुपए खर्च करेगी, तो 75 वर्ष से अधिक सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। तो ये रही खबर। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।